अभी हम इसके बारे में बात करने जा रहे हैं परिवार में। कई बार आपने महसूस किया होगा कि कोई आपको कुछ कहे आपको थोड़ा खराब लगता है, लेकिन कभी कोई परिवार को लेकर के कुछ कह दे तो बहुत खराब लगता है। इसलिए परिवार की चर्चा को ज्यादा जिम्मेदारी से करना है, क्योंकि इसमें अगर किसी को खराब लगा तो बहुत खराब लगता है। ध्यान से हम लोग इस चर्चा को करेंगे, और अभी तक जैसे हम लोग चर्चा करते आए हैं छोटे छोटे प्रश्नों के माध्यम से चर्चा करते हैं, कैसे करता है कल भी करा था, लेकिन मैं उसको फिर से पूछ लेता कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो अपने परिवार के सदस्यों को सुखी करना चाहते हैं। कितने लोग ऐसे हैं कि परिवार के सदस्यों को सुखी करना हो तो उसके लिए दुख उठाने को भी तैयार हैं, लेकिन फिर भी परिवार के लोगों को ऐसा क्यों लगता रहता है कि उनके दुख के कारण आप आपके कारण उनको लगता है ये बात नहीं सुन रहे, इसलिए दुख कर रखा है, हमारा कर रखा है, ऐसा लगता है। एक प्रश्न तो ये बनता है कि हम परिवार को सुखी करना चाहते हैं, हम परिवार को सुखी करने के लिए दुख भी उठाने को तैयार रहते हैं, बल्कि कई बार उठाते हैं, फिर भी परिवार के लोगों को ऐसा क्यों लगता रहता है कई बार कि उनके दुख का कारण है। एक और प्रश्न ऐसे घर में देखिए तो भाई बहन चाचा चाची बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं, फिर भी ऐसा क्यों लगता है कि घर के बहुत सारे लोग हमको समझते हैं, मेरे मन मेरी बात को समझते ही, मैं कहना कुछ चाहती हूँ वो निष्कर्ष कुछ निकाल लेते हैं, मेरी बात पूरी सुनते तक नहीं, जबकि हम लोग 8 वर्ष से 10 वर्ष से 12 वर्ष से साथ साथ रह रहे हैं, फिर भी ऐसा बार बार हमें कितने लोगों को ऐसा बार बार करने आता है कि लोग घर के लोगों को नहीं समझ रहे। जबकि हम लोग 8 साल से 10 साल से 12 साल से साथ रहे, फिर भी घर में ऐसा लगता रहता है लोगों को कि भाई वो हमको नहीं समझ। ऐसे देखेंगे तो कुछ और चीजों को भी हम लोग चर्चा कर सकते हैं, तो ये बातों के सप्ताह सभी प्रश्नों के उत्तर ढूंढने जरूरी है, सभी प्रश्नों के उत्तर ढूंढने जरूरी है। अच्छा, इसका उल्टा भी तो लग सकता है कि घर के जो आपके छोटे भाई बहन हैं या बड़े लोग हैं उनको भी लगता होगा कि इस बच्चों को उनको तो जो आप लोग हैं उनको सुखी करना चाहते हैं, दुख उठा करके भी उनको सुखी करना चाहते हैं। ऐसे कई बार हो सकता है आपने ये सामान ना खरीदे आपके लिए खरीदते हो, आपको सुख करने के लिए दुख उठाने को भी तैयार रहते हैं, उनको भी तो कई बार ऐसा लगता होगा कि हमारी बच्ची को ऐसा क्यों लगता है कि मैं उसके दुख का कारण हूं, ऐसा उनको भी लगता है, ऐसा उनको भी लग ही सकता है कि भाई आप जो है उनके साथ 8-10 वर्षों से रह रहे फिर भी उसकी मुश्किल को क्यों नहीं समझते, और उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो कुछ करके नहीं दे पा रही और आप नाराज हो जा रहे हैं, तो उनको ये कह ही सकता है कि 10 साल से बच्ची को इतना कर रहे हैं इन सारी बातों पर गहराई से चर्चा होना आवश्यक है नहीं आवश्यक, ऐसे देखें तो मम्मी पापा के साथ भाई बहनों के साथ सारे रिश्तेदारों के साथ एक मानव का दूसरे मानव के साथ संबंध है, क्या ये संबंध वास्तव में महत्वपूर्ण है? संबंध वास्तव में महत्वपूर्ण, अगर ये संबंध वास्तव में महत्वपूर्ण है परिवार के लोगों का आपस में जब झगड़ा होता है हमारा हमसे या उनका हमसे या उनका आपस में ये बातचीत कई दिन तक बंद क्यों होती है? होती है अच्छा कई बार ऐसा लगता है
कि मैं गलती उसकी है, कहीं बार लगता थोड़ी हमारी है, कहीं बार लगता दोनों की है, फिर लगता चाहे जिसकी हो, चलो बातचीत को शुरू हो, वापस तो ठीक हो सब, लेकिन फिर भी हमको लगता है वो शुरू करता करे, उसको लगता है कि हम शुरू करें, और दोनों एक दूसरे का कई दिन तक इंतजार करते रहते हैं कि वो शुरू करे, हम शुरू करें, दोस्तों को भी होता है ना, सब आखिर सब क्यों होगा, अभी क्यों थोड़ी कर लेते, उसी का इंतजार क्यों करते रहते, आपको ये डर तो नहीं लगता कि हम शुरू करेंगे तो हम हार जाएंगे, वो जीत जाएगा, उसको कारण होगा कि झगड़ा होने के बाद आपको लग नहीं रहा है कि बात शुरू करें, घर में या कॉलेज में स्कूल में, फिर भी बात शुरू नहीं कर पाते या वो शुरू नहीं कर पाते, कहीं उसका ऐसा नहीं लगता कि हम शुरू करेंगे तो हमारी गलती सिद्ध हो जाएगी और वो जीत जाएगा, हम हार जाएंगे। अच्छा, कभी आपने देखा है ऐसे युद्ध होता है, दो दोस्त है, दोस्त 5 साल से चल रही है, किसी कारण से दोनों में थोड़ा बहुत कहा सुनी हो गई और 2 साल से बाकी है, अब दोस्ती एक बार टूट गई तो कौन जीता कौन हारा, कि दोनों हारे, भाई भाई बचपन से बड़े होते हैं, नौकरी करते हैं ना, और एक पॉइंट पर आकर दोनों में बंटवारा हो गया, दोनों अलग अलग हो गए, दोनों में बातचीत नहीं हो, वहां तो छोड़िए हम दोनों के बच्चे भी आपस में बातचीत करते हैं तो वो झगड़ा करने लगते हैं, अगर ये दोनों भाई दिखाए गए इसको देखेंगे तो अब इसमें कौन जीता कौन हारा कि दोनों हारे, आजकल तो पति पत्नी के बीच में एक तरह से संबंध शुरू होता है, मम्मी पापा या कहें पति पत्नी, एक समय तक चलता है, कुछ किसी बात को लेकर झगड़ा होता है, बढ़ते बढ़ते तो तलाक तक हो जाता है, पापा अलग रहने लगते हैं, मम्मी अलग रहते हैं, अच्छा बच्चे किसी के भी साथ जाए वो तो दोनों के साथ रहना चाहते, एक के साथ तो भी तो पापा के साथ जाए तो भी दुखी है, मम्मी के साथ जाए तो भी दुखी है, और इस पूरी प्रक्रिया में तो बच्चों की सबसे ज्यादा नुकसान होता है, अगर पति पत्नी का संबंध टूट गया तलाक हो गया तो कौन हारा कौन जीता कि दोनों हारे, दोनों हारे, युद्ध में ऐसा होता है कि कोई एक हारता है कोई एक जीतता है, संबंध में ऐसा नहीं है, संबंध में अगर संबंध को सफलतापूर्वक जी ले गए तो दोनों जीत गए, और अगर नहीं जीत पाए तो दोनों हारे, और चाहे गलती किसी की ज्यादा हो चाहे किसी की, संबंध में तो दोनों, हमारी समस्या क्या है, हम जीना चाहते हैं संबंध, और नियम कौन सा लगाते हैं, हम जीना चाहते हैं संबंध है लेकिन नियम कौन सा लगाते हैं, संबंध को संबंध के नियमों से चलेगा, युद्ध के नियमों से संबंध नहीं चल सकता, युद्ध चल सकता, ये संबंध की समझ की समस्या है, हमने संबंध को समझा नहीं है, इसलिए संबंध को भी किसके आधार पर जीने का प्रयास कर रहे युद्ध के आधार, संबंध को नहीं कहना, संबंध में और भी छोटी छोटी बातें हैं, जैसे आप देखेंगे हमको क्या महत्वपूर्ण लगता है बचपन में, मम्मी पापा भाई बहन या सुविधाएं, मम्मी पापा भाई बहन, मम्मी पापा की शिकायत क्या रहती है, ये हमारे तरफ का ध्यान देती है मोबाइल टीवी पर अधिक ध्यान देते हैं, उनसे पूछिए तो कहेंगे कि इसको ज्यादा महत्वपूर्ण तो मोबाइल टीवी लगता है, जैसे एक प्रश्न पूछू, एक प्रश्न पूछू कि कई बार जब आप बच्चों के साथ पहली बार में बात कर रहे हैं, ज्यादातर तो बड़े लोगों का वर्कशॉप लिया है, तो बड़े लोग ज्यादातर कहते हैं कि भाई बच्चे हम लोगों के साथ कौन सा लगाते हैं, मोबाइल टीवी उनको देखना होता है, तो यहाँ से स्कूल से जाएंगे तो 2 घंटे 3 घंटे मोबाइल टीवी में रहेंगे, हमारे साथ 10 मिनट भी बात नहीं होती, ऐसा शिकार आपके घरों में भी तो नहीं है मम्मी पापा, अभी देखेंगे ना, तो एक तरफ तो हमको लगता है कि लोग महत्वपूर्ण है मम्मी पापा भाई बहन, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ऐसा मन में भाव आ जाता है कि सामने वाला हमसे अधिक महत्व मोबाइल को देगा, हमसे अधिक महत्व टीवी को देगा, तो आप देखेंगे ना तो घरों में 4 लोग हैं मोबाइल पे 6 लगे, 4 तो होंगे होंगे, 6 लोग हो 5, तो कई बार ऐसा होता है कि 5 साथ ही बैठे और अपने अपने मोबाइल में लगे, अभी साथ बैठे लेकिन बहुत दूर हो गए, उनको पता नहीं चलता कि ये दूरी बढ़ती कैसे, जबकि चाहते क्या है एक दूसरे के साथ,
लोग ऐसे एक तरह का मौसम चला रहे पंजाब का नाम सुने होंगे वहाँ पर एक विश्वविद्यालय जिसको कहते हैं लंबी प्रोफेसर बैग आता होगा वहाँ एक अवसर चल रहा था कि एक पंचायत की जो प्रोफेसर की पढ़ाती थी उनकी 2.5-3 साल की बेटी तो उन्होंने पहला वर्कशॉप किया फिर कुछ दिनों बाद दूसरा वर्कशॉप तो उन्होंने एक बात ध्यान देना था कि जब मैं एक बार सदन के नियमों को पढ़ने के बाद पलट के अपनी जिंदगी देखती हूँ तो ध्यान में आया कि क्या हो रहा है क्या हो रहा है उन्होंने बताया कि मैं ध्यान गया कि कॉलेज आ गई कॉलेज अपनी ऑफिस से घर जाती थी ना तो मेरी बेटी थी 2.5 साल की जो दौड़ती रहती थी तो कहीं भी रहेगी तेरी आवाज सुनेगी दौड़ के आएगी और दूसरे से चिपक जाएगी चिपकते ना जब एक दूसरे से गले लगते कहीं भी रहेगी दौड़ के आएगी चिपक जाएगी फिर बोलेगी पता नहीं क्या बदलाव हुआ मेरे छोटी सी बेटी में कि अब मैं ऑफिस से जाऊंगी तो दौड़ के आएगी लेकिन वैसे वो चिपकेगी नहीं मेरे से उस तरह से चिपकेगी नहीं पूछेगी चॉकलेट लाई कि बना लाई अगर लेके आई हूँ तो खेलने और खाने में रस हो जाएगी और नहीं लेके आई हूँ तो नाराज होके तो अब माँ और बेटी में दूरी कम हो रही है कि बढ़ रही है कौन जिम्मेदार है लेकिन उन्होंने क्या कहा माँ ने मुझे तो लगता है कि बेटी कम जिम्मेदार है मैं तुमसे पूछा गया क्यों तो उन्होंने बताया कि जब मैं ऑफिस के लिए आती थी पहले सुबह सुबह का तो बेटी तो माँ को ही ढूंढती तो रोने लगती थी बेटी तो घर में मेड सर्वेंट जो बच्ची का देख रेख करे उसको रखी थी और उसको छोड़ के ऑफिस आती थी तो जब भी उसको छोड़ के वो ऑफिस आती थी तो रोने लगती थी तो उसको बोलती थी कि बेटी चुप हो जा मैं शाम को आऊंगी तो खिलौना ला शाम को आऊंगी तो चॉकलेट ला पहले वो माँ के लिए रो रही वो किसके लिए रही थी माँ के लिए देख रहे हैं उसको तो धीरे धीरे माँ का इंतजार करना छोड़ के किसका इंतजार करने लगी अब माँ और बेटी की दूरी अभी 2.5 साल में ये दूरी बढ़ी है तो 15 साल का होते होते दूरी और बढ़ी थी तो वो अपने कमरे में ही अपने कमरे में दोनों को बातचीत भी कही खाना खाने के लिए वो खाने की चीज लेने देने के लिए और क्या हुआ दिन भर कॉलेज स्कूल में तो बाकी चीज था दूरी ऐसी बढ़ती है तो उन्होंने कहा तो प्रोफेसर कि हमको ये देख के बहुत खींचे कि 2.5 साल की बेटी से इतनी दूरी हो गई जब ये 15-20 साल की होगी तो दूरी कितनी हो जाए फिर तो दिखा इसके साथ कॉलेज में क्या हुआ हम कुछ भी कहे मैं सुनती हूँ कि दूरी में उससे कोई बात नहीं पड़ेगी फिर तो एक ही घर में हम खा के रह रहे हैं कि होटल में रह रहे हैं पता ही नहीं चलेगा मैं खाने के टेबल पर मिल रहा है सब भाग रहे हैं तो घर में रह रहे हैं कि होटल में रह रहे हैं अभी बात हो गई तो वो सोच के बोले कि मैं बहुत परेशान हूँ तो उन्होंने कहा कि उसने मैंने ठीक से सोचा संबंध के नियमों के अध्ययन के बाद सोचा तो मुझे हाल भी समझ क्या हाल समझ में आया अब शाम को मैं जाती थी ना ऑफिस से और सुबह जब आती थी बेटी को मेड सर्वेंट के पास छोड़ती तो पहले क्या बोल के आती थी चॉकलेट और खिलाना अब वो बोल के आती थी कि मैं आऊंगी तो बोलते आऊंगी तो हम लोग साथ साथ खेलेंगे तो ये ऑफिस से थक के जाती थी लेकिन कितना भी थक के जाती थी उस छोटी बच्ची के साथ 15-20 मिनट आधा घंटा जरूर खेलती क्या होने लगा कि छोटी बेटी थी दिन भर अपने आप मम्मी के साथ खेलने के लिए कुछ कुछ गेम सोचते रहती थी मम्मी जैसे ही आएगी तुरंत दौड़ के जाएगी ये गेम खेलेंगे वो गेम खेलेंगे तो चार दिन मम्मी के साथ गेम खेलने लगी तो वापस अब खिलौने का इंतजार करती होती थी माँ का इंतजार वो दूरी तो बढ़ रही थी बढ़ी थी खत्म हो संबंध के नियमों का अगर ध्यान चला जाता है तो समाज पर बढ़ती हुई दूरी दिख जाती है और समय पर हम उस बढ़ती हुई दूरी को इसलिए संबंध के नियमों को समझना भी जरूरी है जैसे मैंने यहाँ लिखा एक नियम संबंध भी है थोड़ा उठा ले जाएंगे उसको ठीक रहेगा संबंध है शरीर से शरीर का संबंध है कि शरीर से शरीर का लगता शरीर से शरीर का अगर शरीर से शरीर का होगा तो लगता है कि मम्मी से संबंध है पापा से संबंध है भाई बहनों से संबंध है क्योंकि शरीर से शरीर का लगता है लेकिन अगर ऐसा होता तो भाई भाई एक पॉइंट की बात अलग क्यों हो जाती तो कई घर में आप लोग देखते होंगे अपने आसपास के बाप बेटे भी अलग हो जाते हैं कुछ घर तो आजकल ऐसे हो गए कि इकलौता बेटा है फिर भी अलग रहने लगे एक जगह सूचना है आपकी
क्यों? क्योंकि शरीर वास्तव में शरीर से, संबंध वास्तव में शरीर से शरीर का नहीं, संबंध किसका है? सेल्फ से। क्यों? क्योंकि संबंध में सुविधाओं का लेन देन की आवश्यकता तो है, लेकिन सम्मान भी चाहिए, विश्वास भी चाहिए कि नहीं चाहिए? शरीर को चाहिए कि सेल्फ को? सेल्फ को। अगर बेटा पिताजी का सम्मान नहीं कर पाता लगातार कई साल तक, पिताजी बच्चे पर लगातार कई साल तक विश्वास नहीं कर पाते, तो ये सेल्फ से सेल्फ की दूरी है, ये क्या होती है? बढ़ जाती है। जब बढ़ जाता है तो शरीर से शरीर का जो संबंध हम देखते हैं एक समय के बाद, कौन सा ठीक है? बच्चे, दादा दादी, माँ बाप, बच्चे तीनों एक साथ रहे, या बच्चे हॉस्टल में रहे, बुजुर्ग वृद्धाश्रम में रहे, माँ बाप पैसे कमाने में रहे? एक बार ये ध्यान में आ जाए कि संबंध सेल्फ से सेल्फ है, तो माँ बाप भी बच्चे का सम्मान कर पाएंगे, बच्चे भी माँ बाप का सम्मान कर पाएंगे, माँ बाप भी बच्चे पे विश्वास कर पाएंगे, बच्चे भी माँ बाप पे विश्वास कर पाएंगे, तो ये संबंध की दूरी बढ़ेगी कि कम हो जाएगी? कम हो जाएगी। हम देखें क्या होता है, घर में कोई बाहर ना, घर में कोई बाहर ना है, घर के लोग जो है ना आपस में चांस ना ले रहा था, जब बाहर का व्यक्ति घर पे आता है ड्राइंग रूम में तो आप मुस्कुराते हुए जाते हैं, प्यार से उससे बात करते हैं, फिर वो उठ के चला गया, उसके बाद पलट के जब घर के भीतर आते हैं तब वैसे ही रहते हैं, बदल जाते हैं, कई बार वैसे ही रहते हैं, बाहर तो मुस्कुराते प्यार से बात करके और बाहर वालों से और अपने बच्चे को डांट लेते हैं, अपना बच्चा है अंकल से मिलता है, थोड़ा पैर छूता है, ऐसा शो करेगा कि बहुत ना ऐसा बच्चा है, और अपने घर में आता है पिताजी की दुर्बात नहीं सिखा पाता, ऐसा क्यों हो रहा? क्योंकि सेल्फ से सेल्फ का संबंध समझ में नहीं आया। अगर समझ में आ गया तो हम उनके साथ भी संबंध को लोग प्रस्तुत होंगे, किसके साथ? तो एक बात को संबंध है किससे किसका? स्वयं से स्वयं। इसलिए शरीर से शरीर की आवश्यकता पूरा होना तो ठीक है, लेकिन स्वयं की आवश्यकता भी पूरा होना आवश्यक है। स्वयं की आवश्यकता क्या है? विश्वास, सम्मान, स्नेह, ये सब स्वयं की आवश्यकता है। क्या शरीर को चाहिए? स्वयं को। अब संबंध में देखेंगे तो संबंध सिर्फ सुविधाओं के आदान प्रदान से टिका है या सुविधा के साथ साथ भाव का आदान प्रदान भी आवश्यक है? बात किया कि जब घर में झगड़ा होता है तो सुविधाओं का आदान प्रदान तो करते रहते हैं, माँ खाना पिलाने खिलाती रहती है, पिताजी बाहर से सामान लाते रहते हैं, लेकिन आपस में बातचीत करना उससे क्या हो गया? भाव का आदान प्रदान। तो संबंध में भाव आपका भी आवश्यक है, और ये भाव एक स्वयं को किसके लिए है? तीसरा, संबंध में भाव निश्चित। संबंध में भाव कैसे है? कितने भाव है? नौ। विश्वास, सम्मान, स्नेह, ममता, वात्सल्य, श्रद्धा, गौरव, ये नौ भाव, ये नौ के नौ भाव संबंधों में आपको सहज स्वीकार होते हैं या ऐसा लगता है कि कोई भाव बेकार है, कोई जरूरत नहीं? ये नौ के नौ भाव संबंध में आपको सहज स्वीकार होते हैं या किसी भाव को छोड़ा जा सकता है? और इन भावों को जब हम अपने में रखते हैं, विश्वास, सम्मान, सम्मान का दूसरे के साथ व्यक्त कर पाते हैं, तो दूसरा उससे सुखी होता है, दुखी होता है? और हमने जब ये भाव रहता है तो हम सुखी होते हैं, दुखी होते हैं? सुखी। ये जो दोनों सुखी हुए उसी को क्या कहा? उपाय। क्या बातें कही? क्या संबंध है? स्वयं का स्वयं से संबंध में भाव है, एक स्वयं का दूसरे स्वयं के लिए, ये भाव निश्चित है, संख्या में नौ है, ये उनकी सूची है। और एक भाव के निर्वाह से एक ही सुखी होता है ऐसा नहीं, दोनों से। इसकी बात समझ में आ गई? अब महत्वपूर्ण बात क्या है? ये जो विश्वास शब्द है आप पहली बार सुने हैं, बचपन से सुनते आ रहे हैं, मान भी, स्नेह भी, ममता भी, बहुत सारे शब्द बचपन से सुनते आ रहे हैं,
सुनते भी आ रहे हैं, सुनाते भी आ रहे हैं, सुनते लोगों करके आ रहे हैं, समझकर जीते भी आ रहे हैं कि नहीं? आ रहे हैं या सिर्फ सुनते सुनाते आ रहे हैं? अब थोड़ी देर हम लोग विश्वास को समझना शुरू, विश्वास को समझना शुरू, विश्वास। तो विश्वास के बारे में कुछ बातें लिखी है, तो आज विश्वास को समझेंगे। अगर यहाँ पे समय मिलेगा तो कल हम लोग पार्टी के सार्वभाव समझेंगे, समझने का मतलब चर्चा करेंगे, चर्चा से वो समझ पाएंगे, फिर उसको जीके भी देख लेंगे। अगर जीने में दोनों सुखी हुए हैं हमास या अपने परिवार में तो बात ठीक है। तो विश्वास के ऊपर चर्चा शुरू करें। तो विश्वास के बारे में प्रश्न बनता है, विश्वास कैसे मैं पहचानूं कि आपने मेरे लिए विश्वास है? विश्वास है क्या एक प्रश्न है। उससे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कैसे ये पहचाने कि इस दोस्त के साथ विश्वास है कि नहीं, इस भाई बहन के साथ विश्वास है कि नहीं, माता पिता के साथ विश्वास है कि नहीं, और अगर नहीं है तो उसका क्या कारण है, किस कारण से विश्वास नहीं किया, और अगर विश्वास टूट गया है तो ऐसा क्या करूं कि वापस विश्वास ये सारा समझना जरूरी है। तो जो पहला बिंदु है कि विश्वास है क्या, उसके बारे में हमने यहाँ कुछ लिखा क्या लिखा है, विश्वास का मतलब क्या है? आश्वस्त होना। आश्वस्त होने का क्या मतलब है? जैसे मेरे को ये स्पष्ट हो गया कि ये सामने वाला व्यक्ति, अगर ये स्पष्ट हो गया कि ये जो सामने वाला व्यक्ति ये मेरे को सुखी और समृद्ध कर रहा है, जो भी दोस्त है मेरा या मेरे घर के जो लोग हैं, इनमें से जिस भी लोग के बारे में बात कर रहा हूँ वो मेरे को सुखी और समृद्ध करना चाहते हैं, तो मैं उनके साथ आश्वस्त हो पाता हूँ और उन्हीं लोगों के बारे में ये कह पाता हूँ कि मैं उनका विश्वास करता हूँ। क्या ये विश्वास की परिभाषा आपको सही स्वीकार होगी? आपको विश्वास की परिभाषा सही स्वीकार विश्वास का मतलब है आश्वस्त होना। आश्वस्त होने का क्या मतलब है? जिन लोगों के बारे में हमको ये स्पष्टता रहती है कि ये हमको सुखी करना चाहता है और समृद्ध करना चाहता है, उन्हीं लोगों के प्रति हमें आश्वस्ति रहती है, उन्हीं लोगों के बारे में हम ये कह पाते हैं कि हम उन पर विश्वास करते हैं। इसका उल्टा भी होता, जो लोग मेरे बारे में सोच पाते हैं कि मैं उनको सुखी समृद्ध करना चाहता हूँ, वही लोग तो ये कह पाते होंगे कि वो मेरे पे विश्वास करते हैं। इस तरह से आप जिन लोगों के बारे में कह पाते हैं कि मैं उनका विश्वास करता हूँ, क्यों कह पाते हैं? क्योंकि आपको लगता है कि वो आपको सुखी करना चाहते हैं, और ऐसे सामने वाले के साथ भी तो होगा, ये विश्वास का है। अब थोड़ा हम लोग उसको जानते, अब हम लोग गहरा नाम क्या क्या चाहिए, मैं हूँ एक व्यक्ति पहले, कोई दूसरा व्यक्ति होगा तो घर का सदस्य हो सकता है, कोई दोस्त हो सकता है, कोई हम लोग अब मिलकर ये अभ्यास करेंगे कि हम इस बात को कैसे जांचें कि मेरे में और दूसरे व्यक्ति में सम्मान का विश्वास का भाव है या नहीं। तो आप लोग कई सारे प्रयोग करते होंगे ना, बैंक में करेंगे, जाके प्रयोग ही। तो मैं 8 प्रश्न लिखा हूँ, जिसमें से ये वाले 2 प्रश्न और ये वाले 2 प्रश्न, यानी कि ऊपर वाले 4 प्रश्न आपके बारे में, और नीचे वाले 2 प्रश्न और ये 2 प्रश्न, यानी 4 प्रश्न किसके बारे में है? दूसरे के बारे में। ये दूसरा कौन व्यक्ति है जिसके साथ आप विश्वास को जांच, मैं पहला व्यक्ति और वो दूसरा। अपने बारे में जो भी प्रश्न पूछा जाएगा उसका उत्तर तो मेरे अंदर से ही आएगा, और ये दूसरे आदमी के बारे में जिसके साथ मैं विश्वास को जांच रहा हूँ उसके बारे में जो प्रश्न पूछा जाएगा वो भी मेरे ही भीतर से आएगा, क्योंकि मैंने उस व्यक्ति के बारे में क्या बात रखा है तो मैंने ही बात रखा था, तो उसका उत्तर भी कहाँ से आएगा? तो मैं 8 को ध्यान में रखकर, और आप जब दूसरे व्यक्ति के बारे में उत्तर दीजिएगा उस व्यक्ति को ध्यान में रखकर जिसके साथ विश्वास की जांच परख कर, पहले व्यक्ति आप हो,
आप कोई ना कोई एक दूसरे व्यक्ति को स्वीकार लीजिए अपने धर्मा से विचार में जिसके साथ विश्वास की जाना है कोई ना कोई आपके ध्यान में आ गया हो अब इन आठों प्रश्नों को मैं एक एक करके लेकिन पर प्रश्नों के बारे में बता कैसे दो शब्द है ना एक शब्द होता है चाहना और एक शब्द होता है करना क्या जितना चाहते हैं उतना कर भी पाते हैं ये जरूरी है क्या दस चीजें चाहते हैं हो सकता काम कर पाते चाहना और करना एक ही बात है कि अलग अलग चाहना कुछ हो सकता है करना कुछ हो सकता है उसमें से हो सकता है कुछ कर पाए और कुछ किन चीजों को कर पाते हैं जिनको करने की हमें योग्यता अगर योग्यता ही नहीं है और हम चाह रहे हैं करना तो बिना योग्यता के होगा क्या नहीं इतनी बात समझ आती अब आप ध्यान देंगे इधर वाले प्रश्न किससे जुड़े हुए हैं चाहना दो प्रश्न आपकी चाहना से और दो प्रश्न दूसरे इधर वाले चार प्रश्न में दो प्रश्न आपकी योग्यता का प्राप्त करने से जुड़े हुए हैं नीचे वाले दो प्रश्न दूसरे की योग्यता प्राप्त उसके करने से प्रश्न समझ आ रहे हैं अब हम लोग थोड़ा इस पर विश्लेषण करेंगे बेटा कॉपी बंद कर लो आप तो मैं पहला प्रश्न पूछता हूँ उत्तर आपको खाना या पता नहीं जो भी है जैसे मैं अर्थात किसके बारे में बात हो रही है खुद के बारे में मैं स्वयं को सुधीर करना चाहती हूँ सही है मैं खुद सुखी होकर दूसरे को सुखी करना चाहती हूँ आप उस दूसरे व्यक्ति के बारे में बात बोले दूसरा व्यक्ति जिसके बारे में विश्वास की जांच पर कर रहा हूँ वो स्वयं को सुखी करना चाहता है आप तीसरे में आ जाते हैं बोले दूसरा आदमी जिसके साथ में विश्वास की जांच पर करने की सोच रहा हूँ वो मेरे को सुखी करना चाहता है कि नहीं कितने लोग लगता है पता नहीं तो आप देखेंगे तो यहाँ मिक्स उत्तर आने लगे कई बार लगता है पता नहीं कई बार लगता करना चाहिए आप लोग तो आप देखेंगे इन तीनों में तो एकदम साफ उत्तर आ गया कि ये सही है यहाँ पर थोड़ा डाउट आ गया अब थोड़ा इधर के बारे में पूछते हैं अबे ऊपर वाले दो प्रश्न किसके बारे में मैं स्वयं को हमेशा सुखी कर पाता हूँ कभी कर पाते हैं और कभी इसलिए क्वेश्चन मार्क से शुरू हो गया मैं दूसरे को हमेशा सुखी कर पाता हूँ भी कभी कर पाते हैं और कभी नहीं दूसरे आदमी की क्या हालत है वो भी खुद को हमेशा सुखी कर पाता है क्या ये दूसरा आदमी मेरे को हमेशा सुखी कर पाता है अब ये जो प्रश्न आए हैं इन प्रश्नों का कुछ उत्तर निकालने आते हैं तो आपको क्या लगता है ध्यान देंगे क्या लगता है कि मैं खुद सुखी होना चाहता हूँ और दूसरे को सुखी करना चाहता हूँ आप अपने चाहना को तो देखें तो मैं खुद सुखी होना चाहती हूँ और दूसरे को भी सुखी करना चाहती हूँ कई बार आपके जब योग्यता होती है स्थिति परिस्थिति साथ देती है तो आप खुद को भी सुखी कर पाते हैं और दूसरे को लेकिन जब दूसरे को सुखी नहीं कर पाते हैं तो आपको ये तो पता रहता है कि मैं कर नहीं पा रही स्थिति साथ नहीं दे रही है कुछ समस्या आ रही मेरी योग्यता कम पड़ गई इसलिए मैं कर नहीं पा रही लेकिन चाहती तो मैं आपको लगता है कि जब मैं दूसरे को सुखी नहीं कर पा रहे हैं तो प्रॉब्लम मेरे चाहना की नहीं है प्रॉब्लम किसकी है आप यहाँ पर अपने चाहने को देख पाते हैं अलग और योग्यता को अलग इसलिए आपको ये स्पष्ट कहता है कि भले मैं दूसरे को सुखी करने में सफल नहीं हुई फिर भी मैं उसको सुखी करना को चाहती हूँ इसलिए अपने में अच्छा लगता रहता है कि मैं अच्छा
अच्छी लगती है, लेकिन जब दूसरे को देखने जाते हैं कि दूसरे आदमी ने कुछ किया तो वो भी कुछ करना चाह रहा होगा, उसमें से कुछ कर पा रहा होगा कुछ नहीं। जब आप दूसरे का रिएक्शन करने जाते हैं तो वहां ये अंतर आपको नहीं दिखता कि मैं ये कर नहीं पा रहा है, ये इसकी योग्यता का प्रॉब्लम है ना, चाहना तो इसका भी ठीक होगा। वहां आप देखते किसको है कि वो कर उसको देखते, अब शंका कहां कर लेते हैं, वहां आप ये अंतर नहीं देख पाते कि भाई प्रॉब्लम उसकी योग्यता की है उसके चाहना की नहीं है। आप अपने केस में तो देख लेते हैं कि समस्या मेरे चाहने में नहीं है, कहां है करने में, योग्यता कम पड़ रही, परिस्थिति साथ नहीं दे रही, इसलिए मैं नहीं कर पा रहा, अच्छा लगता है तो चाहना तो ठीक है। और दूसरा आपको जब नहीं कर पाता तो शंका उसकी योग्यता पर नहीं होती, शंका कहां हो जाती है उसके चाहने पर, चाहता ही नहीं तो हार जाता है। मैं कई बार बताता हूं, कई ऐसा हुआ होगा घर में कांच का गिलास आपके हाथ से छूट के टूट गया, लेकिन कल्पना आपकी कल्पना चिंता को कहीं और काम कर रही थी, शरीर तो नहीं था, अंतर समझ आ रहा है। यस सर, जब हमसे प्रॉब्लम होती है तो हमको दिखता रहता है कि प्रॉब्लम हमारे चाहने की नहीं है बल्कि किसकी है, योग्यता कम पड़ रही है, कोई समस्या इसलिए नहीं हो पा रहा है, चाहना तो हमारा ठीक है, लेकिन जब दूसरे आदमी से कोई समस्या होती है तो हमको देखते तो इसको है लेकिन शंका कहां कर लेते हैं उसके चाहना। उदाहरण देता हूं, आप लोग क्लास में कई बार लेट आते हैं, जब खुद लेट आते हैं तब क्या बोलते हैं और जब कोई साथी लेट आता है तब क्या बोलते हैं, जब आप लेट आते हैं तो मैं तो लेट हो गई, बाकी जब लेट आते हैं तो ऐसे ही लेट आती है, इसका तो यही हालत है, इसका कुछ नहीं हो सकता। जब आप लेट हो गए तो आप अपने बारे में देख पा रहे हो, आप लेट होना नहीं चाहते, जब खाना बनने में देर हो गई, ट्रैफिक की लेट हो गई, टाइम से छोड़ने आने में देर हो गई, तो योग्यता आप परिस्थितियां नहीं उस तरह की रहे कि टाइम से पहुंच पाए, चाहते थोड़े देर देखा, लेकिन जब दूसरा लेट आता है नहीं देख पा कि समस्या उसकी हो सकती है, पिता की सकती है, सीधे शक्का कहां चला गया, क्या अगर आपको ये एक बार लग गया कि सामने वाला जान बूझ करके गलती कर रहा है, अगर ये डिस्कस आपको एक बार आपको ये डिस्कस कर सामने वाला जानबूझकर चाह के गलती कर रहा है और दूसरा डिस्कस ये बना नहीं, सामने वाला गलती करना चाह नहीं रहा था, गलती से मतलब किसी परिस्थिति बस उससे गलती हो गई, दोनों में आप एक ही जैसा महसूस करते हैं कि अलग है, अगर लगा कि चाह के किया है तब क्या होता है, गुस्सा आता है, अगर इरिटेशन आता है, और अगर लग रहा था कि नहीं चाह के नहीं किया,
चाहता तो सही करना था, कहीं ना कहीं उसका ध्यान इधर उधर बह गया, कुछ गड़बड़ हो गई, कुछ गलती हो गई, तो समस्या योग्यता की चाहने की नहीं, इतना दिख गया तभी गुस्सा आता नहीं आता। अगर ये दिख गया तो सही करना चाह रहा था, इसलिए मैंने प्रश्न पूछा है, यदि आपको दूसरे की चाहता पर विश्वास, ये विश्वास है कि दूसरा को सही करना चाहिए, और आपको ये दिखता है कि कभी कहा है दूसरे की योग्यता है, इसलिए मैं कर दूंगा, तो आप इन चारों में से क्या करते हैं? दूसरे की योग्यता को बढ़ाकर तब तो आप ये करते हैं कि दूसरे की योग्यता को बढ़ाने में ऐसा कब करते हैं? ऐसा कब आप करते हैं जब दूसरे की चाहना पर दूसरे की चाहना पर विश्वास होता है? लेकिन अगर आपको ये दिख गया कि दूसरे का चाहना ही गड़बड़ है, तो चाहते ही बदमाशी कर रहा है, तो चाहता ही है कि राम देना, तब क्या आता है? कभी गुस्सा आता है, कभी विरोध आता है, कभी झुंझलाहट आती है, कभी सारे आ जाते हैं साथ। तो ये सब कब आता है? जब दूसरे की चाहना पर विश्वास होता है कि शंका होती है? दूसरे की चाहना पर शंका तो जिन लोगों के साथ जीते समय दूसरा कुछ गलती कर रहा है और हम उसकी योग्यता बढ़ाने में सहयोग कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? दूसरे की चाहना पर विश्वास। और अगर उसके किसी गलती के कारण गुस्सा आ रहा है, झुंझलाहट आ रही, विरोध आ रहा है, तो दूसरे की चाहना पर शंका। ये अंतर समझ में आ रहा? लिखने का काम करता है, इसका एक और मतलब क्या मतलब है? जहां जहां जिस जिस संबंध में दोस्ती में हमको बार बार गुस्सा आता है, झुंझलाहट आती है, विरोध आता है, वहां चाहने पर विश्वास बना हुआ है या शंका आता है? और जिस जिस संबंध में हमको झुंझलाहट नहीं आती, गुस्सा नहीं आता, उसकी गलतियों के बावजूद भी, बल्कि हम उसकी गलतियों को ठीक करने में सहयोग करते हैं, वहां पर चाहने पर विश्वास बना है। अब मैं एक प्रश्न पूछूं, आपके ऐसे कितने संबंध हैं, चाहे दोस्तों के साथ या घर में माता पिता किसी के साथ, ठीक से सोच के बताना, जल्दी बात नहीं करना, जहां आपको उस व्यक्ति के साथ जीते समय ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, हर बार किसी से काम। और अगर ये सब करने की जरूरत पड़ रही है या हो रहा है, तो चाहने पर विश्वास पक्का है या फिर दूर रहा है समय से? अब आपको दो मिनट का समय लगे और सोचिए कि आपके संबंध ऐसे कितने हैं जहां की आपको ये करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, हर बार किसी से काम करना। एक से दो मिनट का समय लेके थोड़ा सोचेंगे, निशान वही है, पहचान ही है, पहचान यही है कि उस संबंध में भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो चाहने पर विश्वास। अगर ये हो रहा है तो चाहने पर विश्वास कर दूंगा। इस संकेत के साथ आप सोचिए कि हमारे संबंधों की क्या स्थिति है, कितना चाहने पर विश्वास बना हुआ है और कितना छोटी छोटी घटनाओं से चाहने पर विश्वास मिला है। दोस्तों के साथ, मम्मी पापा, घर के भाई बहन, हर एक के साथ दो मिनट अब पूछिए, दो मिनट इससे होकर थोड़ा मूल्यांकन करिए, फिर बताइए। कुछ करिए, बात नहीं करिए। अगर आप 5-7 मिनट रुक सके तो मैं बस ब्रेक करने वाला, अन्यथा डिस्कस करने वाले। आप पूछ लेता हूँ, कितने लोग ऐसे आ रहे हैं जिसमें आपको की ये करने की जरूरत ही नहीं पड़ी? मम्मी पापा के ऊपर आता है या नहीं आता? आपको बताओ,
आप अपना बताना एक्सीडेंट निकला तो क्या हो गया था? जैसे छह महीने का छोटा बच्चा होता है पाकी बोल निकाल गया आपको तो छोटा बच्चा बाकी बोल दू माँ से खिला के मुझे और एक समय बाकी बोल दे वो लैट्रिन कर देता और तो ऐसे किया जैसे वो बिना किए बड़ी हो गई हो तो अच्छा इससे बात खराब होती है या बच्चे को भी धोती है अपने को भी धोती है और उसके साथ बच्चे को प्यार भी करती है लेकिन बच्चा तो 5 साल का बड़ा हो जाता है और दूर खड़े अपने कपड़े में कभी उसने कर दिया आप माँ प्यार कर पाती है गुस्सा आ रहा है डांट कर दी अच्छा माँ वही है बच्चा वही है अच्छा पहले तो बड़ी गलती थी कि बच्चे ने अपना शरीर भी गंदा किया था अपना कपड़ा भी गंदा किया था माँ का शरीर और कपड़ा भी गंदा किया था माँ को अपने कपड़े भी धोने पड़े बच्चे के कपड़े भी अपना शरीर भी बच्चे के वो गलती ज्यादा बड़ी अभी तो बच्चा दूर खड़ा होकर किया माँ के कपड़े और माँ के शरीर पे तो कोई प्रभाव आया नहीं बच्चे का कपड़ा और बच्चा ही धोना पड़े तो गलती बड़ी है कि छोटी है बच्चा पिट जाता माँ को गुस्सा आ जाता माँ वही क्या बदलाव हुआ पहले वाले केस में जब बच्चा से नहीं लेता तो माँ को क्या लगता है कि समस्या ही होगी था चाहने की नहीं जब तक माता ध्यान इस पर रहता है माँ को गुस्सा है लेकिन जैसे ही माँ का ध्यान यहाँ से हटा लगा कि बेटा बेटा से 5 साल का इंसान बड़ा हो गया अब अगर उसको कुछ ऐसा हो रहा था तो वो कह सकता था हर बार कह देता है इस बार नहीं किया जरूर बदमाशी करना बदमाशी करना मतलब संकार कहा तो लग गया चाहने एक बार बच्चे के चाहने पे संकार चला गया तो माँ बेटे में से क्लोज संबंध नहीं होता माँ अपने गुस्से को रोकती माँ बेटे में से संबंध नहीं माँ अपने गुस्से को रोक नहीं पाती लेकिन हम लोगों की हालत जानते क्या होगी जैसे कई बार घर की दीवारें जो है गंदी हो जाती है बनाने आ जाती होती है ना घर पे घर की दीवारें जो होती है ना उसमें गंदगी आ गंदा हो जाता है दरारें आ जाती है सीलन आ जाती है तो हम लोग घर पे क्या करते हैं पोस्टर चिपका देते हैं वहां पर और ढक देते हैं उससे दीवार ठीक हो गई क्या ऐसे आप देखो संबंध में विश्वास अगर मिल गया संकट आ गया है क्या पोस्टर लगा देने से तो उसकी ठीक उसको तो जिम्मेदारी से देख कर सही को समझ के उसको ठीक करेंगे तब ठीक दीवारों को तो फिर भी एक समय के बाद किया जा सकता है विश्वास लंबे समय तक अगर डैमेज रहा ना तो फिर एक समय के बाद उसको सुधारना भी बहुत तो थोड़ा जांचना तो ये जरूरी हो गया है कि आपके ऐसे कितने संबंध हैं जहाँ आपको दूसरों के चाहने पर विश्वास बना रहता है और ऐसा कितनी जगह है जहाँ वास्तव में समस्या चाहने की है यहाँ की नहीं है ऐसा कोई जगह है क्या या ज्यादातर जगह समस्या को करने की है आपकी गलती से शंका कहाँ कर देते हैं उसके चाहने क्या इसको जांचिएगा और ये देखने का प्रयास करिएगा कि ऐसे कितने संबंध हैं जहां विश्वास चाहने पर बना रहता है कभी भी गुस्सा करने की आवश्यकता आप ये भी जांचिएगा लॉर्ड के लिए जो हम बात करेंगे कई बार आप लोगों के ऊपर गुस्सा करेंगे कई बार आपको ध्यान नहीं करेंगे हम लोग कई बार लोगों के ऊपर गुस्सा करते हैं तो गुस्सा करना मतलब कहना है सच्चा काम हो रहा है क्या अब इस पर थोड़ा सोचिएगा कि वास्तव में क्या वहां सबका चाहने पर जो हम कर रहे हैं वास्तव में उसकी चाहना खराब है क्या कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो देगा कि ये आप उसके चाहने के सिखा रहे हैं इसको थोड़ा सोचिए लॉर्ड के लंच के बाद में हम आएंगे यहाँ पर एक छोटी सी बैठेंगे तब
पहले किसी कमरे में एक फिल्म देखे थे, उसका उस फिल्म का नाम है साथ दो।